तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, मैं चुपके से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। और वैशु को देखो, इसको ना बचपन से ही बहुत शौक है मम्मी की मदद करने का। तो देखो अब ये यहाँ पे पोछा लगा रही है और मम्मी जी उस कमरे में पोछा लगा रही है। देखो ये हमेशा मम्मी की मदद करती है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है। वैसे मैंने क्या, बेटी ने ही कर दी थी, उसने चोरी छुपे एक वीडियो बना दी थी सुबह हमारी। तो फिलहाल आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग अब मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, बाकी हम भी सब ठीक हैं। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, मैंने आपको भैया से मिलाया था। तो बीच में एक दो दिन फिर मैंने दो दिन ब्लॉग फिर नहीं बनाए, तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कल मैं नहीं बना पाई, तो आज जो है भैया जाएंगे आज अपने घर। तो सोचा क्यों ना आपको उनसे एक बार फिर मिलाया जाए, उसके बाद न जाने कब मुलाकात हो। तो फिलहाल आपने कल के ब्लॉग तो देखा होगा, तो आपने बताया भी नहीं कि कैसा रहा, क्या रहा आपको भैया, कैसे लगे कोई। और जिन्होंने बताया उनके लिए थैंक्स, उन्होंने प्रोत्साहित किया। ऐसे ही प्रोत्साहन उनको दीजिए, और बहुत अच्छी बात है कि वो, मतलब वो पता है, वो पढ़ाई लिखाई के प्रति इतने जागरूक हैं। और पिछले ब्लॉग में भी उन्होंने बोला था कि शिक्षा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। और वो वाकई में इतनी मेहनत करते हैं, तो आज थोड़ा सा और मिलाते हैं उनको। बाकी मैंने नाश्ता वगैरह उन्हें सब दे दिया है, मेरा भी सारा काम हो चुका है। और फिर अब हम जाएंगे सीधे उन्हें छोड़ने के लिए कॉलेज में। तो कॉलेज जाने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी मुलाकात करा देती हूँ, फिर उसके बाद वो शाम को ही आते हैं 3-4 बजे के आसपास। तो चलिए मिलते हैं भैया से एक बार फिर, और थोड़ी बहुत जानकारी और लेते हैं। और बाकी आप लोगों ने फॉर्म वॉर्म वगैरह चेक करे होंगे, क्योंकि कल उन्होंने बताया था कि फॉर्म निकलने वाले हैं, निकल गए हैं मतलब, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो लोग इच्छुक हैं वो करें, अच्छी बात है। और शिक्षा तो जितनी ज़्यादा ले लो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, शिक्षा जितनी ले सकते हैं उतनी लेनी चाहिए, और जितनी दे सकते हैं उतनी देनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा देने से बढ़ती भी है। तो चलिए पहले मिल लेते हैं। तो इन लोगों ने नाश्ता वगैरह सब कर लिया, बाकी बेटी नाश्ता कर रही है अभी, ये खा रही है दलिया। हेलो, नाश्ता करो। बाकी वो है भैया, हो गया आपका नाश्ता। और हिमांक, भैया तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना? अभी टाइम है ना, आधा घंटा ठीक। फिर आज जाओगे? फिर क्या है, फिर तो बताओ, फिर आज घर जाओगे? फिर कैसे लगे इतने दिन आपको यहाँ पे? हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? धन्यवाद कह के फिर पराया कर दिया तुमने। धन्यवाद कैसा? अब कब आओगे? देखते हैं। अच्छा अच्छा, फाइल जमा करने आना होगा ना? ठीक। तो फिर बताओ, फिर आपको कल वाला ब्लॉग देखा था ना लोगों ने, तो आपने भी देखा होगा, तो कैसा लगा आपका, आपको मतलब? बहुत अच्छा लगा। और मेरे बहुत से, मेरे लोगों ने बहुत से कमेंट भी किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया ने खोला है यहाँ देखे फोन में। हाँ, तो कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। अच्छा, कमेंट भी किए थे, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और दीदी के इस चैनल को सपोर्ट करें और अपना सहयोग देकर इनका थैंक यू भैया। मेरे लिए कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए बोला उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप अपने बारे में ही बताइए फिलहाल। तो बाकी फिर क्या है, कैसा है? मैं अभी तो अपना प्रोजेक्ट बनाया हूँ, जिसमें मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा लेसन प्लान बनाना है। अच्छा अच्छा, मैं आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि
आगे बढ़ते रहे और मैं तो सभी से कहता हूँ कि पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और मैंने अभी भी मैंने अभी अभी बी एड का कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे लोगों को प्रोत्साहन करना होता है कि तुम पढ़ते रहो और जिससे लोगों को आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलता है। और बस मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपकी उम्र कितनी भी हो जाए पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बस धन्यवाद। बाकी हम अभी कॉलेज जाएंगे तो थोड़ा सा दिखाएंगे आपको भैया, कॉलेज तक पहुँचा के आते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है? शाम को मिलोगे ना या सीधे चले जाओगे? शाम को आऊंगा। ठीक है फिर चलिए। बाकी ये भी कर रहे हैं अपना होलीडे होमवर्क्स। कितना रह गया तुम्हारा? मेरे को कंप्यूटर का हो गया, बस साइड के हेडिंग डाल रहा हूं, साइड के पन्ने चिपकाने हैं। ओके, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में, बने रहिएगा ऐसे ही। फ्रेंड्स हम जाने लग गए हैं भैया को छोड़ने, और बहुत गर्म हो रहा है। हम आपको थोड़ा रास्ता दिखाएंगे हमारी CMT से कितनी दूर है, ठीक है? CMT से हम सीधा जाएंगे पहले डायरेक्ट TP नगर। ये कितना बड़ा पेड़ है, इससे बड़ी छाया आती है। और बाकी ये है हमारे शिवाशीष कॉलोनी का शिव मंदिर। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ से हम पहुँचते हैं सीधे मेन रोड पे, रामपुर रोड पे। बस इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर से हमने लिया है टर्न, और ट्रांसपोर्ट नगर रोड से अब सीधे जाएंगे हम चौराहे से हम लेंगे टिम्पानी रोड पर। तो ये देखिए हम मुड़ चुके हैं राइट टर्न में, और यहाँ से आएगा ये है कॉलेज। यहाँ पर लगातार गाड़ियाँ आती है इसलिए डर लगती है, इसलिए मैंने बेटे को भेजा है तो वो रोड क्रॉस करवा रहा है। बाकी और मैं भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, क्रॉसिंग करने में थोड़ा डर लगता है। बाकी यहाँ पर ATM की सुविधा भी है, बहुत अच्छा है। कभी अर्जेंट पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो बच्चे क्या सभी लोग मतलब यहाँ से ले सकते हैं। BOB का ATM है यहाँ पे। तो ये देखिए सभी बच्चे लोग सब एंट्री हो चुके हैं, हम भी टाइम से पहुँच गए थे। बाकी अब हम रिटर्न करेंगे वापस इधर को, और ये सामने वाली जो रोड है ये जाएगी सीधे टिम्पानी चौराहे पे, जो बरेली रोड पे मिल जाता रास्ता। चलें तो चलिए अब चलते हैं घर को, बाकी शाम को मिलेंगे। तो ये है हमारा उत्तराखंड मुक्त विद्यालय हल्द्वानी का। बाकी देखिए ये टिम्पानी रोड पे ये पालम सिटी का बैक साइड इधर का एरिया है। बाकी फ्रंट उसका देवल चौड़ इधर से भी निकलता है, इधर से भी। ये है पालम सिटी का Gate No. 2। और नीचे देखिए नहर कितनी काई लगी हुई है, ऐसा लग रहा है ग्रीन कलर की कालीन बिछा दी हो नहर के अंदर। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पर और छोड़ आए हैं भैया को। बाकी बहुत गर्म हो रहा था बाहर, जब तक स्कूटी चल रही थी तभी तक अच्छा लग रहा था, स्कूटी रुकते ही बड़ा एक तो हेलमेट के अंदर इतना गर्म, मेरे पूरे बाल भीग गए हैं पसीने से।
जबकि अभी नहाया था। और ये देखिए गरम पसीना पसीना हो गया है, तो हल्दानी में हो रहा है आज गरम। बाकी पीछे देख रहे होंगे आप ये खिलौने, ये बेटी के हैं, ये लगी रहती है इसमें क्योंकि बाहर बहुत धूप है, बाहर जाए भी कितना थोड़ा बहुत जाते हैं सुबह और शाम को। बाकी इन्हीं से खेलती रहती है, यहीं पर खेलती है, यहीं पर सजा के रख देती है। तो हम भी खेलते थे ऐसे बचपन में, आप लोग भी कोई खेलते होंगे ना, तो हम जब खेलते तो हम इसको बोलते थे घर घर का खेल रहे हैं, हमारे खेल कुछ अलग होते थे। पर आजकल के बच्चे बेटी के बोलते हैं इसको मैं डॉल डॉल खेल रही हूँ। तो ये खाना पीना पानी सब रखा हुआ है इसने, इसमें सब कुछ खिलाती है इनको टोटल, मतलब जैसे अपना खाना खाती थी थोड़ा सा खाना उनके बर्तन में भी रख देती है उसमें से, तो ऐसे ही इसके खेल होते हैं। बाकी अभी वो चली गई है आंगनबाड़ी में, अब थोड़ी देर वहाँ बैठेगी फिर उसके बाद आएगी। बाकी हम हीरो को कराते हैं काम, क्यों स्कूल का काम, तो बाकी इसको काम कराती हूँ, उसके बाद फिर वही दोपहर के खाने की तैयारी, फिर जब भैया आएगा तो आपको डायरेक्ट भैया से ही मिलाएंगे। और रिक्वेस्ट करने के बाद वो ऐसे वीडियो में आए सामने, वरना भैया आ नहीं रहा था, तो मैंने उसको बोला थोड़ा समझाया तब जाके वो वीडियो में आए। तो आप लोगों ने अच्छे कमेंट करे, उनको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि कल रात उसने भी वीडियो देखी तो वो भी कह रहा था सुबह उठ के कि दीदी उसमें तो बड़े अच्छा बनाया आपने और अच्छे कमेंट आए थे, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो तुम खुश हो गए सबसे बड़ी बात, और आप लोगों का धन्यवाद जो आपने उन्हें इतने अच्छे से जो आपके कमेंट आए थे अच्छे से बताया समझाया, तो उसको भी अच्छा लगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि उसको अच्छा लगे सुन के पढ़ के, मतलब कमेंट्स आपके, तो थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। बाकी शाम को मिलाते हैं, उसके बाद तो फिर देखते हैं भैया फाइल वाइल उनको बनानी है, फाइल जमा करने के लिए आएंगे तो यहाँ आते हैं या नहीं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर मिलते हैं शाम को, ठीक है।